वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन राइट नाउ करंटली इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, करंट थॉट्स, योर पार्टनर, कलेक्टिव फीडिंग रहेगी, टाइमलेस फीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी देखते हैं करंटली आपके पार्टनर, करंट थॉट्स आपके पर्सन के आपके लिए क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देयर थॉट्स फॉर यू, करंट थॉट्स, करंट थॉट्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, आपके पर्सन काफी ज्यादा आपको लेकर स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, स्टेबल थॉट प्रोसेस है उनका। ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी में है। ठीक है, पास्ट में बहुत ज्यादा डाउट्स में रहे हैं आपके पर्सन, आपके साथ मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहे हैं आपके पर्सन के अंदर आपको लिए। ठीक है, करंट थॉट्स, स्टॉकिंग एनर्जी है आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन लेना आपके बारे में, जैसे कि इन्फॉर्मेशन पीछे से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, स्टॉक करना, स्टॉक आपसे बहुत कम इन्फॉर्मेशन ली जा रही जितना आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ली जा रही। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, लेकिन बहुत स्टेबल ग्राउंडेड आपके पर्सन का माइंड चल रहा है, फाइनेंशियली फोकस है, लेकिन ये पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है, ये इमोशनली एक होपलेस इंसान हुआ इस वक्त। ठीक है, अपनी इमोशनली अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहा है इस वक्त। ठीक है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, अगर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है या डिटैच हुए हुए हैं, आप लोग के बीच एक दूरियां है, तो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लेना, आपके बारे में एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ जानना। साइलेंट है, मतलब कि मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है इसका, इसका माइंड रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, या ये क्या सोच रहा है इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, करंटली ये इंसान इस तरीके के थॉट प्रोसेस में है। ठीक है, ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, किसी क्लैरिटी पे ये इंसान, करंट थिंकिंग जो चल रही है किसी क्लैरिटी पे, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपके पर्सन को, कोई क्लैरिटी यहाँ पे, कुछ ट्रुथ आपके पर्सन का माइंड अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है तो वो क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब है, इंसान पीस चाहता है इमोशनली। ये पर्सन, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप काफी मिस्टीरियस लगते हैं, काफी ये पर्सन एक ऐसा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हैं इसको, या तो इसने पुरानी चीजें आपसे अपनी अब तक हाइड करी हुई। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, आप काफी लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करता है लेकिन शो नहीं करता। इसने आपको या तो पास में हर्ट करा है या तो डिस्टर्ब करा है, कोई ना कोई यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रेस या तो ब्रेकिंग एनर्जी आपकी आपके साथ इसकी पास्ट में रही है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को आप इमोशनली डिटैच नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं। ठीक है, आप काफी अबंडेंट पर्सन हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक अबंडेंट पर्सनैलिटी है, आप एक लविंग केयरिंग और बहुत ज्यादा मतलब कि केयरिंग पर्सनैलिटी है, एक डिटैचमेंट चाहिए इस इंसान, ये इंसान आपको लेकर क्लियर तो है लेकिन आपको आपके आपको जो ना डिटैच देख पा रहा है। ठीक है, शायद अपने आप से, इस लव कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट सा देख रहा है आपको खुद से ये इंसान। ठीक है, करंटली ओके, इस वक्त आपको लेकर और क्या सोच रहा है, इसके माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है, वेट कहीं और से देखते हैं, ये इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, इसके माइंड में आपको लेकर एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है आपको लेकर, बहुत ज्यादा सोचता है पुराने, अगर पास्ट में आप लोग के बीच कुछ हुआ है तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, वो चीज बहुत ज्यादा इसके माइंड में चलती है। ठीक है, लेकिन आपके बारे में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, आपके साथ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, कुछ स्टेबल बैलेंस कुछ यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा है। क्या सोच रहा है आपको लेकर इस वक्त, ये पर्सन मतलब के फीलिंग्स में क्या चल रहा है इसकी। ओके, सोच हो रहा है आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन जो है ना बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, बहुत स्टैग्नेंट, बहुत स्लो प्रोसेस है इसका। ठीक है, जैसे कि एक स्लो प्रोसेस, काफी कॉन्फिडेंस और डैशिंग
और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टाइप पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा माइंड फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत ज्यादा इतना इतना फ्रेश नहीं रहता। अगर चीजें सही भी हैं तो एक ओवर थिंकिंग की इस इंसान को आदत है, जिसकी वजह से स्लो स्टकनेस आप लोग के रिलेशनशिप में चलती रहती है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली का बहुत बड़ा यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा रीजन हो सकती है इसकी ओवर थिंकिंग में, ठीक है। यहाँ पर जिसकी वजह से आप फैमिली थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर रही है, यहाँ पे फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में है, जिसको आप लोग के बीच एक डिस्टेंस पे रखने पे मजबूर करता है। शिप अराइव होने का वेट कर रहा है, किसी तरीके की थॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल, हाँ आपकी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है, अपनी या फैमिली की तरफ से किसी अप्रूवल का वेट कर रहा है, या फैमिली की तरफ से किसी डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर क्लियर हो चुका है, ये आपके साथ इमोशंस फील करता है, इमोशनल है, इमोशंस रखता भी है, लेकिन उस चीज को बहुत ज्यादा लेकर एक्सप्रेसिव नहीं है अभी राइट नाउ, ठीक है। एक एक्सप्रेशन नहीं है। ओके वेट, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है, कंफ्लिक्टेड। अब ये मत सोचें इसके लाइफ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और इसके लिए रास्ते आसान है, उन रास्तों को खुद चूज नहीं करता, नहीं, काफी क्लाउडेड और डार्कनेस है इसकी लाइफ में, ठीक है। इसके लिए चीजों को अलाइन करना इतना भी है, मतलब कि इतना इजी नहीं है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इसके अंदर, एक खालीपन सा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ अपनी लाइफ में करंटली, ठीक है। थोड़ा सा डिफेंसिव भी दिख सकता है, क्योंकि स्लो चलना चाहता है, वन स्टेप एट ए टाइम, एक मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, एक मोमेंट टू मोमेंट वाली एनर्जी है। हील हो रहा है, एक अंदर से हील, इनर सेल्फ इसका हील हो रहा है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फ्रस्ट्रेशन रही है तो वो चीज निकल रही है, लेकिन एक ओवर थिंकिंग बहुत करता है, फाइट, या तो इसकी फैमिली में बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब है, ये बैलेंस लाना चाहता है, अपनी अपनी जिंदगी में एक बैलेंस का वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है इस इंसान का, ठीक है। हाँ, बातचीत तो आपसे करेगा, काफी क्लियर कट, कम्युनिकेशन क्लियर कट रखना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना चाहता, या कम्युनिकेशन अगर आप लोग के बीच अगर कंफ्यूज चल भी रही है तो ये चाहेगा आप लोग के बीच एक फर्दर क्लैरिटी आए और भी क्लियर कट बात हो सके। ऐसा हो सकता है सडन कोई आपको आपको कोई मैसेज, कोई मतलब कि क्लियरिटी क्लियर करेगी अपने, अगर आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करेगी, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी भी है। ओके, देयर एक्शन टूवर्ड्स यू, इस इंसान के एक्शंस किस तरीके के रह सकते हैं। आप लोग के बीच इमोशनल डिटैचमेंट है यहाँ पर इस वक्त राइट नाउ, कंफ्यूज है, एक्शंस में बहुत क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल आपको सिंगल दिख रहा है, इंडिपेंडेंट दिख रहा है, खुद भी सिंगल इंडिपेंडेंट, काम और कैरियर पे फोकस है इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंट, सक्सेस चाहता है और अपने काम और कैरियर पे भी बहुत ज्यादा फोकस है सक्सेस लाने में, ठीक है। इर्द गिर्द के लोग काफी ज्यादा, जैसे अगर काम की जगह है वहां पर भी बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स और एक मेंटल स्ट्रेस बना रहता है, ठीक है। भाई एक्शंस में तो यह है कि आप लोग के बीच बातचीत चल रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है इस इंसान में, ठीक है। आपको लेकर चीजें इसने बहुत सारी होल्ड करी हुई है, शायद जितनी आपसे बातचीत हो रही है इतना कुछ नहीं आपको बता रहा, जितना कुछ इसने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। अपने अंदर ही सिचुएशन को लेकर डिस्टर्ब है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, अकेलापन है अंदर से, और एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, कुछ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ऑप्शंस बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नर्वस, कंफ्यूज, वही बातें, डाउट्स हैं क्या वो चीज़ फ्यूचर के लिए सही रहेगी, ठीक है। इमोशनल ओपन अप, ठीक है, इमोशनली यहाँ पे क्लोजनेस, इमोशनली यहाँ पर कम्युनिकेट करना, ओपन अप होना, काफी कोल्ड, आप लोग के बीच एक कोल्ड वाइब्रेशन है, जस्टिस, इसको पता है यहाँ पे जस्टिस की जरूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड हुआ हुआ है, यहाँ पे जस्टिस, एंड यहाँ पे हाई प्रोसेस की एनर्जी, इस पर्सन को पता है इसकी तरफ से एक जस्टिस की जरूरत है, यहाँ पे क्लियरिटी, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नजर आ रही है करंटली। ये पर्सन आपके साथ ऐसा हो सकता है कुछ कनेक्ट होना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कुछ इस टाइप का इसका थॉट है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन ऐसा लग सकता है आपको कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड, एक ड्राई सी वाइब्रेशन है, या बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। चीजों को लेकर आइसोलेशन है, बहुत ज्यादा सोचो विचार है, जो एक थॉट्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, कुछ रियलाइजेशन है इसके अंदर, और उन रियलाइजेशन की वजह से हीलिंग चल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, अपने एक्शंस पे गिल्ट है, या अपनी मूवमेंट जो ये कर रहा था, जिस तरीके के इसने स्टेप्स लिए इस रिश्ते में, उस चीज का एहसास है, ये गलत कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था,
इस तरीके से मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मतलब कि एक रियलाइजेशंस भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिटैचमेंट सी फील हो रही है इसको, ठीक है, इमोशनल डिटैचमेंट सी है वो एक्साइटमेंट या इमोशन एक मिस कुछ मिसिंग है, वो एड्रेस कर रहा है ये इमोशनल वो जो बॉन्ड था ना वो मिसिंग है, ठीक है, आप लोग के बीच, लेकिन बहुत होल्ड करा हुआ है इसने अपने आप को, ठीक है, अपने अपने एक जो जितना ये चाह रहा है आपके साथ जितना जल्दी चीज़ों को कनेक्ट करना या एक फिक्स करना, होल्डिंग बैक है, ठीक है, हीलिंग जो टावर मोमेंट आया वो हील हो रहा है, ये साइलेंट जो जो साइलेंट एनर्जी है ना, ये जो डिस्टेंस है ये हीलिंग पे है, आपका रिश्ता या आपकी सिचुएशन हीलिंग पे है अभी, ठीक है, टाइम लग सकता है, थोड़ा सा स्लो मूविंग एक स्लो फेज में चलता है, बहुत स्लोली स्लोली एक्सेप्टेंस, स्लोली स्लोली एक्शंस, हर कदम फूक फूक के रखना, उस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की, लेकिन यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट है, ये इंसान साइलेंट तो है लेकिन एक न्यू स्टार्ट ये बिगनिंग चाहता है, ठीक है, न्यू स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा इस इंसान की तरफ से, ठीक है, करंटली यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर काफी स्टेबल ग्राउंडेड थॉट रख रहे हैं और स्टेबल ग्राउंडेड सोच रहे हैं, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कमी महसूस हो रही है, एक इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रही है, कमी का एहसास है, वो चीज नहीं मिली या वो चीज नहीं है जिस चीज को अभी होना चाहिए था, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स हैं, या तो अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से मेरी लाइफ यहाँ स्टक रह गई, ठीक है, या मैं यहाँ स्टक रह गया या मैं यहाँ खड़ा रह गया खड़ी रह गई, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, मतलब कि ऐसी बात नहीं है, जो एक वो थी ना अकड़ वो चीज जा रही है, एक रियलिटी फेस कर रहा है, कुछ अपनी लाइफ में अपने लिए गलत चूज कर लिया या अपनी लाइफ में ही अपने लिए कुछ गलत रास्तों को चूज कर लिया, बहुत जल्दबाजी में कर लिया, शायद एक सडन एक्शन सडन डिसीजन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक फास्ट डिसीजन मेकिंग और फास्ट एक्शन लिए गए, सोचा समझा नहीं गया ज्यादा उन एक्शन और उन 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 डिसीजन को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन के थॉट्स कुछ मिक्स से हैं, लेकिन ये इंसान एक ऑब्जर्विंग एनर्जी में है, थोड़ा सा क्यूरियस हुआ हुआ है, क्या चल रहा है, जानना चाहता है आपके माइंड में क्या है, पूछे बिना पीछे से कुछ स्टॉकिंग करके कहीं से पता चल जाए, क्लोज फ्रेंड से पता चल जाए, या तो आप लोगों के हैं तो कुछ सोशल मीडिया से पता चल जाए, ठीक है, कुछ जानना चाह रहा है आपके अंदर क्या है, ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज आपको इतना इमोशनली, आप दूर भी हैं तो आप सही हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, डिटैचमेंट का रीजन क्या है, ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग्स है इस इंसान के अंदर, मुझे आपकी दोनों की तरफ से स्टॉकिंग नजर आ रही है, ऐसा हो सकता है आप भी कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा हो सकता है वो इंसान भी कर रहा है, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर क्यूरियोसिटी है, लेकिन एक होता है ना दोनों एक बोल नहीं रहे, ठीक है, जानना जानना दोनों चाहते हैं, एक्शंस नहीं ले रहे एक दूसरे की तरफ खुलकर, इजहार में एक एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, तो स्टूडियो को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।